संभल के चंदौसी में पीएफ घोटाले के विरोध में विद्युत विभाग का धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर एम्प्लॉयज ट्रस्ट एवं उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जीपीएफ तथा सीपीएफ धनराशि की अनदेखी और डीएचएफएल में निवेश करने के खुलासे के बाद से विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की जीवन भर की बचत डूबने के कगार पर है। इस दिशा में सरकार द्वारा कोई ठोस कारगर कदम नहीं उठाने पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों में बेचैनी के साथ साथ दिनों दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। विद्युत अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आगामी 18 व 19 नवंबर को प्रदेश स्तर पर 48 घंटे के कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की है। आज कर्मचारी और अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पीएफ घोटाले को लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो साथी और अधिकारी लखनऊ नहीं जा पाए हैं उनके द्वारा अपने अपने खंड कार्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पीएफ घोटाला जिसके द्वारा हमारे परिवार और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उसके विरोध में और अपने पैसे की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा तय की जाए, हमारा पीएफ का पैसा सुरक्षित हाथों में रहे, इसकी जिम्मेदारी के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि हमारा जो सीपीएफ का और जीपीएफ का पैसा एक प्राइवेट कंपनी डीएचएफएल को सरकार ने दिया था, लेकिन वो पैसा अब मिलने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालय पर और शक्ति भवन जो हमारा सबसे मेन वो है वहाँ मैं विद फैमिली अधिकारी एवं कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रत्येक खंड कार्यालय पर भी एक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। यदि हमारा पैसा नहीं मिलता है तो आगे की रणनीति जो भी हमारे जो यूनियन के लीडर हैं उनके जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार की जाएगी।